राजन मैंने इस प्रकृति से सब कुछ सीखा है, मैंने बहुत सारे गुरु बनाए। एक बात समझ लीजिए माताओं बंधु, गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु एक दीक्षा गुरु। जिससे हम कुछ सीखें वो गुरु है। एक पालक से भी सीख सकते हैं, एक पशु से भी सीख सकते हैं, एक पक्षी से भी सीख सकते हैं। जो भी हमें कुछ सिखाए वो हमारा शिक्षा गुरु है। और दीक्षा गुरु कौन होता है? जो कान में मंत्र फूके आपको मंत्र जाप के लिए प्रेरित करता है, जो आपका अकाउंट बैलेंस बनता है ऊपर के लिए, कल्याण मार्ग की तरफ जो बढ़ाता है, वो दीक्षा गुरु होता है, वो एक ही होता है। शिक्षा गुरु कितने भी बनाए जा सकते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने कहा मैंने इस प्रकृति में कई गुरु बनाए। कौन कौन से? दत्तात्रेय भगवान कहते हैं पहला गुरु मैंने बनाया माता पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य और क्षमा। ध्यान दीजिएगा, माता पृथ्वी का धैर्य देखिए, कितने लोग उन पर आक्रमण करते हैं, कितने लोग नाना प्रकार के अत्याचार, कोई खोद रहा है माता पृथ्वी को, कोई माता पृथ्वी के लिए युद्ध कर रहा है, कोई माता पृथ्वी पे नाना प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहा है, अधर्म कर रहा है। लेकिन माता पृथ्वी धैर्य और क्षमा के साथ सबको भूलती जा रही। माता पृथ्वी धैर्य खो दे तो क्या हो? एक सेकंड में भूकंप आ जाए। माता पृथ्वी से सीखा धैर्य और क्षमा। माता पृथ्वी के ही विकार वृक्ष और पर्वतों से सीखा, उनका जीवन सदैव परोपकार में जाता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, पर हित हेतु सबन कह करने। वृक्ष भी वर्षा का कारण बनते, पर्वत भी वृक्षा का कारण बनते हैं, और वृक्ष से तो फल फूल वनस्पति आदि हमको प्राप्त होती है। तो वृक्ष से सीखा परोपकार, वायु से सीखा। वायु का गुण है नहीं है गंध, पृथ्वी का गुण है माताओं बंधुओं। लेकिन वायु सुगंधित और दुर्गंधित दोनों होती है, किंतु उसके बाद भी वो अपना प्राकृतिक गुण थोड़ी छोड़ती है। कहने का अर्थ है हम लोग कहीं सुगंधित जगह जाएं तो सुगंधित हो जाएं, दुर्गंधित जगह जाएं तो दुर्गंधित हो जाएं, जहां जाएं उसमें ढल जाएं, लेकिन अपने प्राकृतिक स्वभाव को ना छोड़े। ना अंग्रेजी में कहावत है इन रोम रो डू एज रोमन्स डू, माने जहां जाओ जैसा देश वैसा भेष हो जाओ, लेकिन असली में अंदर से अपने स्वभाव को मत छोड़ो। ये वायु से सीखा, पृथ्वी वायु और आकाश। आकाश से मैंने क्या सीखा? आकाश में वर्षा होती है, बिजली चमकती है, नाना प्रकार के बादल आ जाते हैं, लेकिन आकाश अछूता और अनंत रहता है, निर्मल रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी शरीर में जो भी कष्ट आदि आ रहे हैं आते रहे, आत्मा निर्मल और अनंत रहती है सदैव, आत्मा कभी नहीं मरती, आकाश की तरह। यह सीखा माताओं बंधुओं। अग्नि से मैंने सीखा, अग्नि कहीं प्रकट होती है कहीं अप्रकट हो जाती है। जब जलाते हैं तो जल जाती है, और नहीं तो सब जगह अग्नि है, गुप्त है। लकड़ी में भी अग्नि होती है लेकिन जलाने पे दिखती है। उसी प्रकार महापुरुष को कहीं प्रकट रहना चाहिए कहीं अप्रकट रहना चाहिए, अर्थात विद्वानों के बीच में विद्वता की बात करनी चाहिए, मूर्खों के बीच में मौन हो जाना चाहिए। मूर्खों के बीच में बड़े विद्वान बनोगे तो उससे बड़े मूर्ख हो जाओगे ना। कहां क्या बोल रहे हैं और कहां मौन रहना है, ये अग्नि से सीखा। कहीं प्रकट रहो कहीं गुप्त रहो। अग्नि चंद्रमा रवि, चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से बाल अवस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। आत्मा एक रस रहती है सदैव, जैसे चंद्रमा तो चंद्रमा ही रहता है चाहे घटे या बढ़े। सूर्यदेव से मैंने सीखा, सूर्यदेव क्या करते हैं? समुद्र से जल खींचते हैं और फिर उसकी वर्षा संसार में कराते हैं। उसी प्रकार से महापुरुष को क्या करना चाहिए? उनको विषयों का संग्रह तो करना चाहिए, लेकिन समाज के कल्याण के लिए उन विषयों को दान पुण्य करके लोगों के सहयोग में भी लगा देना चाहिए। ये सूर्यदेव से सीखा। कपोतो अजगर सिंधु, मैंने कबूतर से सीखा। कबूतर इतना मोह वाला प्राणी होता है, वो एक बार एक पहेलिए ने कबूतरी को जाल में फंसा लिया। अब कबूतर रो रहा, अरे अब तू चली गई, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। तब तक पहेलिए ने कबूतर को भी मारा और कबूतर भी उसी जाल में फंस गया। अर्थात हम लोग मोह ममता के कारण दूसरों के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन जो उनके साथ होना है वो हमारे साथ भी होना है, ये कभी नहीं समझते। काल हमारे भी सिर पे मंडरा रहा है। तू कबूतर से सीखा कभी मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। अजगर से मैंने सीखा संतोष।
अजगर जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए, जब मिल जाए, उसमें संतोष ही रहता है। अर्थात बहुत छटपटाना नहीं चाहिए मनुष्य को। जो भाग्य में होगा, जो प्रारब्ध में होगा, वो मिलके ही रहेगा। कपोतो अजगरह सिंधु, मैंने समुद्र से सीखा। समुद्र ऊपर से कितनी लहरें होती हैं, समुद्र में कितना लहराता है समुद्र, लेकिन नीचे जाओ ना तो एकदम गंभीर रहता है। वैसे ही साधक को ऊपर से तो बड़ा प्रसन्नचित्त, बड़ा हंसता हुआ, आनंद करता हुआ रहना चाहिए, लेकिन अंदर से उसे अत्यंत गंभीर होना चाहिए। अपनी साधना के लिए निरंतर गंभीर होना चाहिए। और समुद्र से दूसरा क्या सीखा, कितनी संताएं समुद्र में आके मिलती हैं और कितनी चली जाती हैं। जब समुद्र में सरिताएं मिलती है तो समुद्र एकदम उफान नहीं मारता, और जब चली जाती है तो कोई सूख नहीं जाता। अर्थात मनुष्य को बहुत मिल जाए तो एकदम भूल नहीं जाना चाहिए अभिमान में, और बहुत चला जाए तो बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। संभाव ये समुद्र से सीखा। कपोतो अजगरह सिंधु पतंगो मधुकरदम गजा, मैंने पतंगे से सीखा। पतंगा क्या करता है, उजाला देख के, दिया देख के एकदम भागता है और उसमें जल के मर जाता है। अर्थात साधक को, सन्यासी को बहुत रूप आदि में, रूप का अर्थ केवल सौंदर्य नहीं, बड़ा फैशन और बड़ा दिखने और दिखाने, इसमें नहीं लगना चाहिए। हर व्यक्ति मतलब अंत में पतंगे की तरह वो भस्मी होना है, इसमें साधक को बड़ा रूप रंग और इस सब में नहीं लगना चाहिए। पतंगो मधुकरदम गजा, मधुकरद माने भौरा। भौरे से मैंने क्या सीखा, भौरा थोड़ा सा इस पुष्प से लेता है, थोड़ा उस पुष्प से रस लेता है, दिन भर भर भटकता रहता है ना भौरा। उसी प्रकार से सन्यासी को चाहिए कि किसी एक ही घर के आश्रित ना रहे। थोड़ा सा इस गृहस्थी से ले लिया, थोड़ा उस गृहस्थी से सहयोग ले लिया, ताकि किसी एक गृहस्थी पे बोझ भी ना बने और किसी से बहुत ममत्व भी ना जुड़ जाए। भौरे से सीखा। गज से मैंने सीखा, कभी भी किसी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गज बड़ा कामी जीव होता है, ये मैंने गज से सीखा। मधुआ हरिणो मीना, मैंने मधु को छीनने वाले से सीखा। क्या सीखा, मधुमक्खी जीवन भर मधु बनाती है, लेकिन क्या उसका उपयोग कर पाती है? नहीं, उसको ले जाता है वो मधु बेचने वाला। उसी प्रकार से कंजूस कृपण व्यक्ति जीवन भर धन का संचय करता है, लेकिन ना उसका उपयोग कर पाता है, ना उपभोग कर पाता है। इसलिए धन का संचय तो करो, लेकिन समय रहते उसको दान पुण्य में, अपने उपयोग में अवश्य लेके आओ, वरना आपके जाने के बाद कोई तीसरा ही करेगा। हरिणो हिरण से मैंने सीखा, बहुत संगीत वंगीत में सन्यासी को नहीं लगना चाहिए। बहुत माने कोई काम वासना आदि बढ़ाने वाले संगीत में नहीं लगना चाहिए, भगवान की भक्ति रूपी भजन भले श्रवण कर ले। मीन मछली से मैंने सीखा, मछली एक आटे के टुकड़े के पीछे अपने प्राण त्याग देती है, इसलिए साधक को बड़ा स्वाद आदि में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्वाद आदि में लगोगे वो रोग का कारण आगे जा करके बनेगा। मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुवर भका, पिंगला वेश्या से मैंने सीखा। पिंगला वेश्या क्या करती थी जानते, वो दिन भर लगी रहती थी कोई अच्छा ग्राहक आ जाए और आ जाए, आज मेरे को ऐसा कोई ग्राहक मिल जाए कि मेरा जीवन भर का व्यवस्था वो कर दे। प्रतीक्षा करते करते बुजुर्ग हो गई पिंगला वेश्या, अब तो कोई उसके पास नहीं आ रहा। पिंगला वेश्या ने मन में सोचा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस संसार में सबसे बड़े दुख का कारण क्या है जानते, आशा। हम मनुष्य आशा करते हैं तभी दुख होता है, और अगर निराशा रखोगे, किसी से आशा नहीं रखोगे तो सुख में रहोगे। इसलिए हमको किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। पिंगला ने सोचा, जो मैंने साधारण मनुष्यों से आशा रखी, अगर भगवान के प्रति भक्ति करती तो अभी मुझे कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होती। तो पिंगला इस प्रकार सबको छोड़ के भगवान की भक्ति में लग गई। पिंगला कुरुरो अर्भका, कुरुरी पक्षी से मैंने सीखा। क्या सीखा, कुरीरी पक्षी कहीं से एक मांस ले आया और मांस लेकर के जाने लग गया, और बड़े बड़े पक्षियों ने, बाजों ने देखा तो आकर के कुरीरी पक्षी पर वो आक्रमण करने लग गए। अब वो तो एकदम घायल हो गया पक्षी, खूब आक्रमण किया, पक्षी ने हार करके उस मांस को छोड़ दिया। तब उन बड़े बड़े पक्षियों ने कुरीरी पक्षी को जाने दिया। अर्थात संचय में सुख नहीं है, त्याग में सुख है। जितना संचय करोगे उतना कष्ट और उतना दुख भोगते जाओगे। कुरुड़ो अर्भका, अर्भक माने अबोध बालक, मैंने एक अबोध बालक से भी सीखा। क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा माता बंधु, एक अबोध बालक ही होता है जो सारे मान सम्मान सारे विषय भोग से परे होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुक्तो जड़ो वालो यो गुणे ब्याह परम गता। इस संसार में दो ही लोग हैं जो परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं, कौन, एक तो परम ज्ञानी परम हंस
और दूसरा अबोध बालक, क्योंकि उसे भी संसार में किसी भी मोह ममता, किसी भी द्वेष, किसी भी झूठ, किसी भी बेमानी से लेना देना नहीं। छोटा सा बालक गरीबी, आप देखते होंगे ना, कुछ भी नहीं है, कुटिया में भी है वहां भी बालक हंस रहा है, और बड़े बड़े लोग महलों में रह करके भी रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। छोटे से बालक से सीखा सदैव परमानंद में रहो, आनंद में रहो। क्रूर और भका कुमारी शरकत शर्पा ऊर्ण नाभि सुपेश कृत, मैंने कुआरी कन्या से सीखा। एक कुआरी कन्या बहुत सारी चूड़ियां पहन करके और वो धान कूट रही थी, बहुत आवाज हो रही थी, एक एक चूड़ी तोड़ी कम आवाज हुई, करते करते केवल हाथ में एक एक चूड़ी रह गई, आवाज बंद हो गई। अर्थात जितना ज्यादा परिवार बढ़ाओगे उतना कलेश होगा। हम लोग कहते ना ज्यादा बर्तन तो खटकेंगे एक दूसरे से, तो इसलिए साधक को बहुत ज्यादा अपने उसको बढ़ाने में नहीं लगना चाहिए, एकांत की तरफ अपने को लगाना चाहिए। कुमारी शरकृत शर्पा मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। क्या सीखा? एक बाण बनाने वाला अपनी बाण को नोक दे रहा था, वहां से राजा की सवारी चली गई, पीछे से एक व्यक्ति भागता हुआ आया, सवारी छूट गई थी उससे। अरे सुनो सुनो भैया, तुमने राजा की सवारी को यहाँ से जाते हुए देखा? बाण वाले ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अपनी नोक बनाने में लगा था, मुझे नहीं मालूम भैया कब आई कब चली गई। कहने का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति मनुष्य को इतना एकाग्र होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है इस बात पर ध्यान ही ना दे, तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शरकृत शर्पा सर्प से मैंने सीखा। क्या सीखा? सर्प कभी घर नहीं बनाता माताओं बंधु, वो जो सर्प का बिल होता है सर्प थोड़ी बनाता है, चूहा बिल बनाता है और सर्प उसमें जाके रहता है। इसी प्रकार सन्यासी महात्मा को बहुत आश्रम आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं लगे रहना चाहिए, जो भी परमात्मा का है, जो भी सबका है, वही सन्यासी महात्मा का आश्रम है। तो शर्पा ऊर्ण नाभि सुपेश कृत मैंने मकड़ी से सीखा। मकड़ी जाला बनाती है फिर उस जाले को अपने अंदर समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा भी संसार को बनाते हो फिर सारे संसार को समेट लेते हैं। सुपेश कृत मैंने भृंगी कीड़े से सीखा। भृंगी कीड़ा किसी दूसरे कीड़े को लाता है और गूं ऐसी आवाज करता है, तो जो दूसरा कीड़ा होता है वो भी डर के मारे भृंगी कीड़ा बन जाता है। कहने का अर्थ है किसी दूसरे के प्रति ज्यादा विचार मत करिए, वरना धीरे धीरे उस दूसरे का स्वभाव, उसके अवगुण आपके अंदर भी आने लग जाएंगे। किसी से इतना प्रभावित मत हो जाइए कि उसके अवगुण आदि भी आप अपने अंदर ले आए। सुपेश कृत और आखिरी में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने अपने शरीर से भी सीखा। क्या सीखा? ये शरीर वैराग्य और विवेक देने के लिए है, किंतु इस शरीर को फिर भी मैं अपना नहीं मानता, क्योंकि एक ना एक दिन इस शरीर को नष्ट हो जाना है, इसलिए कभी प्रेम नहीं करना चाहिए इससे, इसे केवल वैराग्य और विवेक का साधन समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान की तरह जो मनुष्य जीवन में संसार में सबसे सीखता रहता है ना, वो कभी भी दुख और संशय में नहीं पड़ता।